Hey everyone, welcome back to the competitive classes. So as you know, today is day 5 of JK Bank. ठीक है, today is not day 5, today is 5th December और अभी तक shift 1 का exam हो चुका है. I think अभी जब मैं video upload कर रहा हूँ तो shift 2 का भी exam हो चुका होगा. But I think अभी जो आने वाली 3rd और 4th shift हैं उनके लिए मैं एक analysis video बना दूँ shift 1 का, ताकि उनको हेल्प हो जाए ये जानने में कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस किस तरह के आ रहे हैं और उनको क्या क्या साइकोलॉजिकली प्रिपेयर्ड रहना चाहिए. सो गाइज, पहली बात तो ये है कि जैसा फर्स्ट डे आपको पेपर मिला था वैसा पेपर आपको अभी नहीं दिख रहा, हल्का सा मॉडरेट कर दिया है लेवल उन्होंने, आहिस्ता आहिस्ता लेवल जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन वगैरह कैलकुलेटिव कर रहे हैं. तो चलिए एक बार देखते हैं जल्दी से कि क्या एनालिसिस है हमारा आज का. ठीक है, क्या है आज हमारे पास 5th दिसंबर शिफ्ट 1. ठीक है, मैं आपके लिए आज पॉसिबल हो पाया तो शिफ्ट 2, शिफ्ट 3, शिफ्ट 4 का एनालिसिस भी प्रोवाइड कर दूंगा. साथ ही साथ आपको आज इंग्लिश की भी प्रैक्टिस टेस्ट मिलेगा, तो हमारे चैनल पे बने रहिए, आज आपका लाइव टेस्ट इंग्लिश का प्रैक्टिस सेशन चलेगा. ठीक है, चलिए तो शिफ्ट 1 की अगर बात करूँ, सबसे पहले इंग्लिश की बात करूँ, अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश में गाइस सबसे पहले तो वही जो हमारा पैसेज आ रहा है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन. ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, दिस कंटेन्स 10 मार्क्स एंड द लेवल इज वेरी इजी. ठीक है, कुछ एक दो क्वेश्चन अगर वोकैबुलरी बेस्ड होंगे तो थोड़े से ट्रिकी होंगे, लेकिन इजी लेवल का आ रहा है ये. एंड दिस इज अ स्टोरी बेस्ड पैसेज अगेन. जैसा कि हम देख रहे हैं कि जितने भी पैसेज आ रहे हैं हमारे, जितने भी अभी शिफ्ट में पैसेज आए हैं, सारे के सारे स्टोरी बेस्ड हैं. इसके अलावा इस शिफ्ट में हमको पैरा जंबल दिखा है, जिसको आप रीअरेंजमेंट भी कहते हो. 5 मार्क्स आपको रीअरेंजमेंट में से आ रहे हैं. ठीक है, इसके अलावा क्लोज टेस्ट आपको इस शिफ्ट में नहीं दिखा, क्लोज टेस्ट इस शिफ्ट में नहीं दिखा. ठीक है, इसके अलावा क्लोज टेस्ट की जगह हमको क्या दिखा है, हमको दिखा है करेक्शन. ठीक है, करेक्शन आई थी 5 से 6 मार्क्स की. ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास मिसपेल्ट वर्ड्स जो थे वो आए हैं हमारे पास 4 से 5 मार्क्स के. दैट मीन्स ये 10 मार्क्स ये दोनों कॉन्स्टिट्यूट कर रहे थे. राइट, तो दिस वॉज अबाउट आर सी का लेवल जो था इट वॉज ईजी, पैराजेंबल जो था इट वॉज ईजी टू मॉडरेट. ठीक है, करेक्शन जो थी दे अगेन वर ईजी टू मॉडरेट. आप अगर करते हैं इसको तो आप कर सकते थे, थोड़े से आपके ग्रामेटिकल स्किल्स अच्छे हैं तो आप इनको ईजिली कर सकते हैं. ठीक है, इसके अलावा आपको यूजेज ऑफ वर्ड्स दिए थे, यूजेज ऑफ वर्ड्स. अब आई होप आपको पता होगा, आपने इतने सारे प्रैक्टिस कर ली होगी कि यूजेज ऑफ वर्ड्स क्या होता है. आपको एक वर्ड दे दिया होता है जैसे स्टॉक. ठीक है, जैसे एक स्टॉक वर्ड दे दिया हुआ है, फिर उसके बेस पे 1, 2 और 3 सेंटेंसेस दिए हुए हैं एंड आपको चेक करना है कि वो सेंटेंसेस जो हैं वो उस वो वर्ड जो है वो उन सेंटेंसेस में फिट होता है कि नहीं होता है. ठीक है, तो दे वर ऑफ 3 मार्क्स, ये 3 मार्क्स के तो कितने मार्क्स हो गए, 10, 15, 20, 25 और 3 हो गए 22, और 2 कुछ मिसलिनियस आए थे. सो ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो इट वॉज अगेन ईजी टू मॉडरेट, जैसा कि हमारा पेपर देखा जा रहा है, ईजी टू मॉडरेट. ठीक है, तो इस शिफ्ट में स्टूडेंट्स जो हैं मेरे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने एग्जाम दिया है वो बता रहे हैं कि दे हैव स्कोर 30. उन्होंने 30 अटेम्प्ट भी किया, लेकिन आप एवरेज अटेम्प्ट 23 से 27 मान के चलो. अगर आप इतना अटेम्प्ट कर रहे हो देन इट इज़ गुड. ठीक है, ये आपका अच्छा स्कोर माना जाएगा. ठीक है, चलिए, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट स्कोर दिस टाइम, नॉट अटेम्प्ट्स. ठीक है, मैं स्कोर की बात कर रहा हूँ, अटेम्प्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ. ठीक है, इसके अलावा अगर मैं क्वांट की बात करूँ तो गाइस क्वांट वॉज लिटिल बिट डिफरेंट टूडे. क्वांट जो था वो डिफरेंट था. सेक्शन की बात करूँ तो इट वॉज ईजी बट ट्रिकी. ईजी था बट ट्रिकी था एंड बिट लेंथी, थोड़ा सा लेंथी भी था. ठीक है, आपको क्वेश्चंस करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था. सिंप्लीफिकेशन जो थी वो आपको 15 मार्क्स की आ रही थी. सिंप्लीफिकेशन 15 मार्क्स की आई थी, जिसमें से कुछ क्वेश्चन जो थे वो इजीली डूएबल थे एंड कुछ जो थे वो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव थे. तो ओवरऑल अगर मैं बताऊँ तो ईजी से मॉडरेट,
ठीक है, इजी से मॉडरेट लेवल था आपका सिंप्लीफिकेशन का, 15 नंबर आपके सिंप्लीफिकेशन से आ सकते थे, ये हर एक बच्चा करके आया होगा, लेकिन एज उसको रहा होगा जिसने इसकी ट्रिक्स सीखी होंगी, जिसने इसके बारे में अच्छी सी रिसर्च की होगी, जिसको पता है कि किस तरह से आपको स्पीडली काम करना है, तो वो इसके 15 क्वेश्चन जो है वो हार्डली 5 मिनट में करके आ सकता है, या अगर मैक्सिमम मिनट लगाऊं तो 7 मिनट में ये 15 क्वेश्चन कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा DI जो आई थी हमको इस बार, दो DI देखने के लिए मिली है, DI जो है वो दो देखने के लिए मिली है। ठीक है, द फर्स्ट बींग लाइन ग्राफ, ठीक है, लाइन ग्राफ 5 मार्क्स की, इट वॉज पॉपुलेशन बेस्ड, आपको डेटा दिया हुआ था और उसमें पॉपुलेशन दी हुई थी, उसके बेस पे आपको DI सॉल्व करनी थी, उसके बेस पे DI सॉल्व करनी थी, लाइन ग्राफ थी, इजी क्वेश्चन थे, अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स इट वॉज वेरी इजी, आप बड़े आराम से ये कर सकते थे। आप देख रहे हो कि नॉर्मल जो DI आ रही थी वो थोड़ी कैलकुलेटिव आ रही थी, लेकिन इस शिफ्ट में आपको DI जो है वो बहुत ईजी दिखी है, ठीक है, और ज़्यादा कैलकुलेटिव भी नहीं थी। ठीक है, इसके अलावा आपको DI में एक केसलेट भी दिखी है, आपको केसलेट DI भी आई है, जो कि कितने मार्क्स की थी, जो 3 मार्क्स की थी, 3 क्वेश्चन आपको केसलेट DI के थे, जिसमें आपको गिवन था नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन थे, ठीक है, 9000 बच्चे थे, ठीक है, जिसमें से 45% जो थे देवर फ्रॉम बी कॉम, एंड उसके बाद आपको गिवन था BSc और BA, इनकी रेशियो जो रिमेनिंग 45% थे, यानी 55% जो थे बचे हुए, उसमें से रिमेनिंग जो थे देवर इन द रेशियो ऑफ 4 इज टू 5, ये डेटा आपको गिवन था, इसके बेस पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने थे, और केसलेट के 3 क्वेश्चन आए थे, तो अभी तक कितने क्वेश्चन हो गए, 15, 5, 20 और 23 क्वेश्चन हो गए आपके। ठीक है, इसके अलावा नंबर सीरीज कितने मार्क्स की आई थी गाइस, 5 मार्क्स की आई थी, मैंने आपको कहा था नंबर सीरीज अगर आती है तो 5 मार्क्स की आती है, नहीं आती तो बिल्कुल नहीं आती है। इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत अच्छी बात है कि ये इस बार मिसिंग नंबर सीरीज आई है। ठीक है, अब इस शिफ्ट में मिसिंग नंबर है, तो हो सकता है सेकंड शिफ्ट में आपको रॉन्ग नंबर सीरीज हो, तो मैं आपको सेकंड शिफ्ट के एनालिसिस में बता दूंगा कि कैसी सीरीज आई थी। ठीक है, दिस इज मिसिंग नंबर, एंड आपको ये ईजी, बहुत ईजी तरह की आ रही थी, स्टूडेंट्स जो रिव्यू दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये बहुत ज़्यादा ईजी आई थी। और अर्थमेटिक के आपको 7 से 8 क्वेश्चन आए थे, 7 से 8 क्वेश्चन जो थे वो अर्थमेटिक के आए थे, तो ओवरऑल ये आपके कॉन्स्टिट्यूट करते हैं 35 मार्क्स, एंड इसका लेवल अगर मैं बताऊं आपको तो इट वाज ऑफ मॉडरेट लेवल। ठीक है, कुछ सिंप्लीफिकेशन को अगर मैं मान के चलूं, या आपको अगर केसलेट थोड़ा सा बच्चों को ट्रिकी लगता है, अर्थमेटिक जो था वो इजी से मॉडरेट था, मॉडरेट लेवल का मान सकते हो, तो ओवरऑल इसका लेवल जो था मॉडरेट था, 25 से 27 जो थी ये इसकी गुड अटेम्प्ट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट की बात करता हूं मैं, नेक्स्ट सेक्शन हमारी रीजनिंग सेक्शन, इसमें क्या आया था, इसमें भी थोड़े से ट्विस्ट हैं आज की सेक्शन में। ठीक है, रीजनिंग में क्या दिख रहा है आपको, रीजनिंग में सबसे पहले 3 पजल्स आई हैं, जिसमें से पहली पजल जो है इट इज लीनियर पजल है। ठीक है, फेसिंग नॉर्थ, अब नंबर ऑफ पर्सन जो है मुझे पता नहीं है कितने, अगर आप में से कोई फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस देके एग्जाम देके आया हुआ तो मुझे प्लीज बताइए कि इसमें कितने नंबर ऑफ पर्सन थे। इसके अलावा आपको बॉक्स पजल आई थी, ठीक है, बॉक्स पजल आई थी, दैट वॉज हैविंग 5 मार्क्स। ठीक है, इसके अलावा आपको एक स्क्वायर पजल आई थी, स्क्वायर और रेक्टेंगल, आई डोंट नो व्हाट इट वाज, बट एक क्वाड्रिलेटरल आपको आई थी फिगर, ठीक है, जिसमें स्क्वायर और रेक्टेंगल में से फेसिंग इनवर्ड एंड आउटवर्ड, ठीक है, इनवर्ड और आउटवर्ड दोनों तरफ फेस कर रहे थे, अकॉर्डिंग टू माय सोर्सेज ये आपको 3 पजल्स आई थी। प्लीज करेक्ट मी, कमेंट सेक्शन में मुझे करेक्ट कर लीजिए अगर कोई इसमें आपको गलती दिख रही है, तो अगर आपको लग रहा है इसमें कोई चेंज है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि बाकी स्टूडेंट्स जो हैं उनको पता लग जाए कि हाँ ये क्वेश्चन जो था ये ऐसा था। ठीक है, इसके अलावा कोडिंग डी कोडिंग आई थी, इट कंटेंड 5 मार्क्स एंड इट वॉज ईजी, बट अगेन आई सेड इट वॉज लिटल ट्रिकी। ठीक है, ये ट्रिकी थी, तो ये कोडिंग डिकोडिंग के मार्क्स लेना इजी थे। इसके अलावा आपके पास अल्फा न्यूमेरिक थी, ठीक है, जो कि इजी लेवल की थी, जो कि नॉर्मली इजी ही आ रही है, इजी लेवल की थी। इसके अलावा आपको ब्लड रिलेशन
प्लस डायरेक्शन, ये मिला के आपको 5 नंबर आ रहे थे। और ये भी आपका जो लेवल था ये इजी से मॉडरेट था, इजी से मॉडरेट था, ठीक है, इजी से मॉडरेट था। और इसके अलावा आपको क्या आया था, मिसलिनियस आया था। इसमें मिसलिनियस क्वेश्चंस होते हैं जो फॉरवर्ड बैकवर्ड वाले आपको नाम बताना होता है कि इसमें से अगर हम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वर्ड पकड़े तो कौन सा हम वर्ड फॉर्म कर सकते हैं। तो ओवरऑल हमारे पास 5 10 15 20 25 और 30 30 और ये हमारे पास कुछ मिसलिनियस क्वेश्चंस आए हुए थे, ठीक है। इसके अलावा एग्जाम में कुछ आपको पता है, जिसका एग्जाम हुआ था उसको पता है क्या आया था, तो प्लीज बताइए। इसका लेवल मैं बताता हूँ, इसका लेवल था मॉडरेट आज का, इसका लेवल था मॉडरेट एंड इट वॉज लेंथी, इट वॉज लेंथी अकॉर्डिंग टू रिव्यूज, इट वॉज लेंथी। अब अगर मैं गुड अटेम्प्ट की बात बताऊँ तो कुछ स्टूडेंट्स जो हैं जो मुझे बता रहे हैं दे हैव अटेम्प्टेड 90, दे हैव अटेम्प्टेड 90 एंड कुछ जो मुझे बता रहे हैं वो 70 भी करके आए हैं। सो ओवरऑल अगर मैं इनकी एवरेज निकालूं तो इनकी एवरेज में अगर मैं आपको बताऊं तो अराउंड आपका 70 एवरेज नहीं निकाल रहा, लेकिन अगर आप 78 तक अटेम्प्ट करके आए हो या 75 तक अटेम्प्ट करके आए हो तो अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ गुड अटेम्प्ट, रेस्ट इट डिपेंड्स ऑन अदर स्टूडेंट्स अटेम्प्ट कि बाकी स्टूडेंट्स क्या अटेम्प्ट करके आए हैं। मैं आपको एश्योरेंस नहीं देता कि ये अटेम्प्ट जो है ये बिल्कुल सेफ है या नहीं है, बिकॉज सेफ अटेम्प्ट कुछ नहीं होता। आप जो अब करके आगे हो वो करके आगे हो, सेफ अटेम्प्ट तब होती है जब बाकी स्टूडेंट्स जो हैं वो गलत करके आए, राइट। क्योंकि आपको पता है यहाँ पे कंपटीशन ये नहीं है कि आपको इतना स्कोर अचीव करना है, यहाँ पे कंपटीशन ये है कि आपको बाकियों से आगे निकलना है, राइट। तो बाकियों से आगे निकलने के लिए आपको या तो खुद अच्छा परफॉर्म करना पड़ता है या आपका एक प्लस पॉइंट तब होता है जब किसी और का पेपर अच्छा ना हुआ हो, ठीक है। सो गुड अटेम्प्ट मैं यहाँ नहीं बता सकता, लेकिन स्टिल अगर 75 अटेम्प्ट आप करते बाकी एग्जाम्स में, जैसे बाकी एग्जाम्स होते हैं 75 से 80 आप अटेम्प्ट करके आए होते, देन जैसे IBPS का या आपका SBI का एग्जाम होता है तो उसके लिए ये गुड अटेम्प्ट हो सकते थे, उसके लिए मैं आपको बता सकता था। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज शिफ्ट एनालिसिस, शिफ्ट वन। नेक्स्ट वीडियोज में मैं आपको शिफ्ट टू शिफ्ट थ्री का भी अगर पॉसिबल हो पाया तो एनालिसिस जरूर प्रोवाइड करूंगा, सो दैट स्टूडेंट्स को हेल्प हो जाए। इसके अलावा आपको आज इंग्लिश की क्लास भी मिलेगी जिसमें आपको इंग्लिश के प्रैक्टिस करवाई जाएगी, आपको लाइव क्वेश्चन दिए जाएंगे एंड उसमें आपको प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा अगर पॉसिबल हुआ तो मैं मैथ की सिंप्लीफिकेशन की प्रैक्टिस भी आपको करवाऊंगा, ठीक है। आपको जैसे आपको पता है हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज चल रही थी एंड उस सीरीज में हमने आपको कॉन्टिन्यूसली प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं सारे के सारे करवाए हैं, और वैसा ही पेपर जो है वो एग्जाम में भी देखा जा रहा है, सेम लेवल गाइज, बिलीव मी सेम लेवल जो है वो आपको एग्जाम में भी दिख रहा है, ठीक है। सो अगर आपने वो वीडियोज अभी नहीं देखी है और अगर आपका एग्जाम जो है थोड़ा लेट है सो यू शुड वॉच दोज वीडियोज। So thank you very much guys, all the best.